दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में बता रहा हूँ, देखिए ये जो मशीन है, इस मशीन के अंदर ब्लेड का धार हमारा ख़त्म हो गया है और इस ब्लेड पे धार हम कैसे लगाएंगे वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो हमें बताने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें सुई को ऊपर करना है और उसके बाद देखिए इस लिफ्टर को प्रेस करके हमें पैर बाहर कर लेना है और आपकी मशीन में यहाँ पे पुश बटन होगा जिसे आप पुश करके इस कवर को खोल सकते हैं। तो इसमें जो है नहीं है तो इसको जो है मैं यहाँ से खोल कर और इधर कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको इस वाले कवर को इधर खोल कर इधर नीचे कर लेना है और देखिए ये वाला जो हमारा पेच है इसे जो है आप चाबी से भी खोल सकते हो, 7 नंबर की चाबी से। अगर आपके पास चाबी नहीं है तो आप जो है पेचकस से भी खोल सकते हो। तो इस पेच को खोलने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमें करना क्या है, हमें इस वाले पेच में पेचकस लगा लेना है और इस वाले पेच को जो है इस वाले पेच को हमें लूज कर लेना है। लूज करने के बाद देखिए ऊपर वाले ब्लेड से जो है हमारा नीचे वाला ब्लेड जो है कम से कम आधा सूत जो है गैप कर देना है। देखिए जिस तरीके से मैंने गैप करा इस तरीके से आपको भी गैप कर लेना है और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था इस पेंच को हमें खोलना है, तो चलिए आइए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए इसको खोलने के बाद जो हमें करना क्या है, ब्लेड को हमें नीचे ले लेना है और एक बार मैं आपको ब्लेड चेक करा दूँ तो देखिए ये वाला जो है हिस्सा हमारा धार बिल्कुल इसका ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको जो है बता दूं कि इसको किस तरीके से हमें इसमें धार लगाना है। तो देखिए यहाँ से जो है हमारा ऊपर का हिस्सा जो है ये हमारा धार ख़त्म हो गया। अब यहाँ से जो है हमें इस आकार में ब्लेड की पूरी कटिंग करनी है, यानी यहाँ से लेके नीचे तक जो है हमें पूरी कटिंग करनी है और किस तरीके से करते हैं वो आज मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए इस तरीके से जो है हमें रखना है, ब्लेड का आकार जो है हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। जिस आकार में ब्लेड है इसी तरीके से जो है हमें पकड़ना है और इसको जो है जब ये गर्म हो जाए तो आप इसको पानी में डुबा सकते हैं। पानी में डुबाने से क्या होता है कि इसका टेम्पर ख़राब नहीं होगा। बार बार इसको घिसें और बार बार इसको जो है पानी में आप डुबोएं ताकि जो है इसका टेम्पर ख़त्म नहीं हो पाए। तो देखिए अभी जो है काफ़ी हद तक घिस चुका है ये और अभी इसको घिसना है, तो मैं अभी थोड़ा और घिस लेता हूँ इसको। देखिए इसी तरीके से आपको भी घिसना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके समझ में नहीं आए तो एक दूसरा ब्लेड लेके उसी के आकार में आपको जो है इसको घिसना है। तो देखिए ये जो है घिस चुका है, अब इसके ऊपर है बाबरी, तो मैं इसको बाबरी को हटा देता हूँ और बाबरी हटाने के बाद मैं आपको जो है चेक कराऊँगा कि इस पर धार किस तरीके से लगा। तो देखिए इस पर धार जो है लग चुका है। अब मैं पुराना ब्लेड ले लेता हूँ एक, जो आकार जो है चेक करा दूँ आपको कि ये किस तरीके से मैंने इसको घिसा है। तो देखिए ये जो है पूरी तरीके से जो है ब्लेड पे धार लग चुका है और इसी तरीके से जो है आपको भी धार लगाना है। अब जो है इस पे धार लग चुका है तो मैं आइए इसमें मशीन में लगा के आपको इसकी कटिंग चेक करा दूं कि ये किस तरीके से आखिर नया ब्लेड के तरह काट पाता है या नहीं काट पाता है। तो जिस तरीके से हमने ब्लेड निकाला था उसी तरीके से हमें लगाना है। तो यहाँ जो देखिए ये थोड़ा सा जो है टाइट है, तो मैं इसको दो चूड़ी लूज कर लेता हूँ और उसके बाद जो है ब्लेड लगा के और आपको मैं बताऊँगा कि ब्लेड की सेटिंग किस तरीके से करते हैं। देखिए ये वाला जो लेबल है पटरी का, इस वाले लेवल से जो है हमें ज़्यादा ऊपर नहीं लाना है। अगर ज़्यादा हम ऊपर ला के ब्लेड को टाइट कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप चाबी से भी टाइट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है और आप पेचकस से भी टाइट कर सकते हैं। तो एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि पटरी के लेवल से ऊपर हमें नहीं रखना है इसको। तो देखिए ये हो गया हमारा सेट। उसके बाद हमें करना है क्या, इस वाले पेच को जो है हमें लूज कर लेना है और लूज करने के बाद जो है एक बात का आपको खास ख्याल रखना है। देखिए इधर जो है हो जाएगा हमारा ये, तो इधर होने के लिए हमें क्या करना है, हमें ब्लेड को जो है ऊपर वाले ब्लेड को फुल ऊपर लेना है और उसके बाद जो है इस वाले पेंच को हम लूज करेंगे तो ये हमारा जो है जहाँ पे था वहीं पे आ जाएगा। अगर आपकी मशीन में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा इसको जो है ब्लेड को उधर कर सकते हैं और उसके बाद जो है देखिए हमें कवर लगा लेना है और मैं चलिए कवर लगा के आपको बताता हूँ इसमें क्या करते हैं। तो देखिए नीचे का मैंने कवर लगा लिया है, अब इसके बाद जो है हमें पैर लगा लेना है और उसके बाद जो है मैं ले लेता हूँ कपड़ा। तो सबसे पहले जो है मैं कपड़ा लेने के बाद एक तय कपड़ा को जो है कटिंग काट के दिखाता हूँ आपको कि इसमें किस तरीके से कट रहा है। तो देखिए एक तय जो है काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा कट चुका है, जैसा कि आपने देखा काफ़ी अच्छा कट रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं फोल्ड करके दो तय करके इसको मैं काट के दिखा रहा हूँ। तो देखिए दो तय भी हमारा जो है लगभग बहुत ही आसानी और ईजी तरीके से ये कट चुका है। तो ये देखिए इसकी कटिंग आ गई और ये है हमारा कटा हुआ कपड़ा। तो इसी तरीके से जो है आप भी सेट कर सकते हैं, कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।